हाय फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल कोकोनट ग्रेवी बनाएंगे, जिसे सोधी के नाम से जाना जाता है। इस रेसिपी के कई वेरिएशंस हैं। ये एक सिंपल रेसिपी है जिसे आप घर में जल्दी से बना सकते हैं। आज हम ये रेसिपी बिना दाल या सब्जी के बनाएंगे। अब एक पैन में डालें तेल। तेल के गर्म होते ही इसमें डालें सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, प्याज और प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक पका लें। इस ग्रेवी के लिए प्याज को अच्छे से पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक मिक्सी जार में डालें थोड़ा पानी और कसा हुआ नारियल और स्मूथ पेस्ट होने तक पीस लें। ट्रेडिशनल फ्लेवर के लिए ताज़ा नारियल ही यूज़ करें। अब डालें हरी मिर्च, कटे हुए टमाटर और टमाटर के नरम होने तक पका लें। अब डालें नमक, हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालें पानी। कवर करके मसाले के कच्चे स्मेल जाने तक पका लें। अब डालें पिसा हुआ पेस्ट और जार को 3/4 कप पानी से रिंस करके ग्रेवी में डाल लें। अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो ग्रेवी में और पानी भी ऐड कर सकते हैं। कवर करके 3 मिनट के लिए पका लें। सोधी तैयार है। आपम या इडियापम के साथ सर्व करें। आज हमने एक सिंपल सोधी बनाई है। आप इसमें मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हैं। सबसे पहले इन सब्जियों को 1/4 कप पानी डाल के 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लें। फिर टमाटर के नरम होने के बाद इन पके सब्जियों को ऐड कर लें। बाकी के स्टेप्स फॉलो करके ग्रेवी बना लें। आप कसे हुए नारियल के बजाय नारियल का दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।